वेलकम टू माई चैनल केडी दावत व्लॉग्स। सो आज मतलब हम लोग हैदराबाद आके 3-4 डेज हो रहे हैं। सो हम लोग सोचे नहीं, हैदराबाद आके 3 डेज हो रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कि चलो मूवी देखते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे और मूवी ना देखे और हैदराबादी बिरयानी ना खाए तो मज़ा नहीं आएगा। सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं मूवी के लिए, तो अभी बज रहे 4-5 बज रहे हैं। तो देखिए, हमारे घर के सामने ये सुंदर सा मंदिर है। यार हैदराबाद में इतने सारे मंदिर दिखाई देंगे आपको, और उसके ऊपर पेंट भी बहुत मस्त मस्त भगवान के करते हैं। तो देखिए, ये हमारे एक देवी माता हैं, तो उनका यहाँ पे मंदिर है। तो हम लोग ने ओला बुक किया था, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया है, लंच कर लिया है, और हम लोग निकल रहे हैं। तो देखिए दिव्यांश को, सो ये थिएटर है और हमारे घर के थोड़े नज़दीकी है, मतलब 20-25 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम है। तो हम लोग यहाँ पे आचार्य मूवी देखने आए हैं, क्योंकि हम लोग और कोई मूवी सर्च कर रहे तो कोई मूवी देख ही नहीं रहा था। और आचार्य मूवी, इसमें फादर एंड सन का एक्टिंग है, और मतलब रामचरण जो RR मूवी में हीरो है ना, वो और उनके फादर चिरंजीवी दोनों का एक बॉन्डिंग मतलब दिखाया गया है। तो हम लोग वही मूवी देखने आए थे। सो देखिए, यहाँ पे इंटरवल हुआ है, सॉरी मूवी स्टार्ट हो रही है। सो हम लोग वेट कर रहे हैं, और दिव्यांश ने तो इतना साइलेंटली उसने मतलब एंजॉय किया। थोड़ा सा उसने भी मूवी देखा था, वो शौक हो रहा था, मतलब इतने बड़े बड़े इंसान कहाँ से देख रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद वो सो भी गया था, उसने इतना सा भी परेशान नहीं किया मुझे। और यहाँ पे इंटरवल हुआ है, सो इनके पापा लाए स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न। सो हम लोग ने एंजॉय किया, और बहुत ही अच्छी मूवी थी, और दोनों बच्चे के अंश को भी अच्छा लगा। सो गाइस, अभी मूवी फिनिश हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी बज रहे टाइम 9 बज रहा है, क्योंकि हम लोग आए थे 4 बजे और टाइमिंग था मूवी का, सॉरी हम लोग आए थे 5 बजे, और थोड़ा 1 आवर इधर उधर ट्रैवलिंग किए थे, घूमे थे, फिर बाद में 5 बजे का मूवी था, फिर 9 बजे ख़त्म हुई है मूवी। सो अभी रात हो गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं डिनर करके जाए या फिर पार्सल लेके जाए। तो इनके पापा ने कहा कि चलो डिनर ही मतलब पार्सल लेके जाते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ भी घर पे है। मैं उनको भी बुलाए थे हम लोग, बट उनका मन नहीं था मूवी के लिए, सो वो नहीं आई। सो हम लोग आ गए, तो हम लोग पार्सल लेके जा रहे हैं, और हम मेरी सासू माँ के साथ हम लोग बैठ के खाएँगे। तो देखिए, ये वाला पिक्चर हम लोग ने देखा है, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं यहाँ पे। हैदराबाद में मेन यही स्पेशलिटी रहती है कि अगर जो भी मूवी रिलीज होती है ना, उसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, माला वाला चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग ने पार्सल ले लिया है चिकन बिरयानी, और यहाँ पे बादाम मिल्क शेक पी रहे हैं हम लोग। कि अंश को टेस्ट अच्छा नहीं लगा, पता नहीं वो नहीं पी रहा था, बट उसने थोड़ा सा इन्जॉय किया, बाद में मैंने पी लिया है। ये अंकल देख रहे हैं क्या वीडियो बना रहे, सोच रहे थे वो, बट उनको नहीं पता था ना। ये देखिए दिव्यांश को। सो गाइस, हम लोग जब भी हैदराबाद आते हैं तो मूवी ज़रूर एंजॉय करते हैं, और बिरयानी ज़रूर हम लोग खाते हैं, क्योंकि मुंबई में तो हम इतना घूम नहीं सकते यार, ट्रैफिक बहुत रहता है, और बच्चों को लेके घूमना बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। अगर बच्चों को अभी वैकेशन भी चल रही है, अंश के स्कूल भी छुट्टी हो गया है, हॉलीडेज से चल रहे हैं, तो अगर मैं इसको कहीं लेके जाएंगे घुमाने, फिर वो फ्रेश हो जाएगा, फिर से पढ़ाई में उसका ध्यान लगेगा, है ना कि अंश पढ़ेगा ना अच्छे से, अभी नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा ना अच्छे से बच्चे। सो देखिए यहाँ पे दिव्यांश को कैसे देख रहा है मोबाइल को। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बाजू में जो बेल है उसको हिट कीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, हम लोग लाए थे चिकन बिरयानी।
सो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।